हाउ आर यू? बहुत बढ़िया जी। एंड हुन ना मैं तुहाडे लाइफस्टाइल तो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछांगी जिदे तुसी जवाब देने ने। आई एम श्योर तुहाडे फैंस ओदे बारे बहुत जानना चाहंदे होणगे। स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन, जिम जान दी तुहाडी सब तो वड्डी मोटिवेशन की है? मोटिवेशन आई थिंक जदों मैनू आई फील होंदा जदों मैं फिट होवां, जदों मैं वधिया फिजीक दे विच होवां, आई फील मोर कॉन्फिडेंट एंड आई फील मेरे च एनर्जी ज़्यादा। सो मोटिवेशन होंदी है कि जे फिट रहूँगा, कॉन्फिडेंट रहूँगा, एनर्जी ज़्यादा रहूगी, काम वधिया कर सकूँगा। कितने साल हो गए जिम करदे हो? मैनू अराउंड 12-14 साल हो गए। हां जी। एंड तुहाडा जिमिंग रूटीन की रहिंदा? जनरली 80% ऑफ द टाइम जिवें ही मेरी अख खुलदी है सवेरे, उठन सार मैं प्री वर्कआउट पीना ते जिम वल चला जाना। प्री वर्कआउट टेक्स अराउंड हाफ एन आवर टू किक इन, अद्धे घंटे में जिम पहुंच जाना। सो जनरली मैं उठन सार जिम जाना प्रेफर करदा तां कि जदों तक कॉल आउणियां शुरू होण, काम शुरू होवे, उद तक वर्कआउट करके डन हो जा। नहीं तो जे मैं दिन के काम शुरू कर ला फिर शाम को टाइम नहीं मिलता तो वैसे एनर्जी लो हो जाती है। जे कदे जिम नहीं जा पाते तो उन्हें कंपनसेट करने लिए की करते हो? फिर मैं कुछ नहीं, मतलब जनरली मैं बहुत लोगों को जानता जो जो जिम नहीं करते, कार्डियो कर लेंगे, रनिंग कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, मेरे तो नहीं होंगे। मैं वेट ट्रेनिंग ही चंगी लगती है तो उस तो बिना मैं कार्डियो करके वैसे बड़ा खुश भी नहीं होंगे। सो या तो मैं एक्सरसाइज जिम चला या मैं नहीं ला। जो कोई बहुत जिदा हूँ मैं अगली फिल्म के लिए 25-30 किलो भार घटा फिर मैं कार्डियो कर लेना, पर मजबूरी करना, मैं चंगा लगता कार्डियो। डाइट डिपेंड करता थोड़े गोल्स की ने, जे गेन कर रहे हैं तो फिर कार्बोहाइड्रेट इनटेक थोड़ी ज़्यादा होंगी है, फैट इनटेक थोड़ी ज़्यादा होंगी है, नहीं तो जनरली कोई हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट मीडियम फैट्स डाइट होंगी है। टू क्वेश्चन लास्ट, सेकेंड लास्ट इज करे जो लोग नहीं जा सकते जिम वो करे कि एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने आप को फिट रखने लिए? जे मेरी एक्चुअल गल मनो जो असली सलाह है वह है कि जे तुसी जिम नहीं जा सकते घर एक्सरसाइज भावें ना करो, डाइट हेल्दी रखो। कई बार की होंगे कि अद्धे घंटे की सैर दो मतलब बिंज ईटिंग सैशनज नू कंपनसेट नहीं कर सकते। जनरली आप करते हैं घर थोड़ी बहुत सैर कर ली, एक्सरसाइज कर ली, आप गिल्ट चो निकल जाने कि मैं एक्सरसाइज की है, पर जिमें सैर करके आने तो आप गलत खा भी लें तो मतलब अद्धे पौने घंटे की सैर तो मे बी अद्धा समोसा बराबर है। तो सैर भावें ना करो पर अवॉइड करो ओवर हीटिंग। ओके एंड लास्ट वन, तुहाडे लई फिटनेस दे की मायने ने? मेरे लिए फिटनेस दे की आई थिंक मेरे मतलब बहुत लोग ने मेरे वांगू फिटनेस मेरे लिए उवें आ जिवें रोज़ रोटी खानी या रोज़ काम स्टूडियो जाना या एडिटिंग करनी, तो मेरे लिए फिटनेस इज अ पार्ट ऑफ मी। तो जो मेरे लिए मेरा मेरे लिए जिमें उठ के ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, काम पर जाना जरूरी है, उवें फिटनेस है। सो आई फील मैं उन्हें कैटेगराइज नहीं कर सकता किसी उहदे विच, वो मेरी लाइफ का ही हिस्सा है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी। अपनिया फेवरेट पंजाबी फिल्मां अते शोज देखने लई सबसक्राइब करो पिटारा दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते प्रेस करो बैल आइकन, कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना करन लई।